हेलो गाइस, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने वीडियो शुरू कराया, बेड की चादर चेंज करनी है, तो मैंने सोचा यहीं से शुरू कर देती हूँ। और सुबह का नाश्ता वगैरह मेरा सब निबट गया था, केवल मुझे छत पे जाना है, तो कपड़े साथ लेके जाऊंगी और मुझे गेहूँ धोने हैं तो गेहूँ भी लेके जाऊंगी, इसीलिए चादर चेंज करने लगी। गेहूँ मैं धो दूंगी और ऊपर जाके कपड़े सब मशीन में डाल दूंगी, क्योंकि जो मशीन है छत पे ही रखी हुई है। तो पहले मैं तकिया के कवर चेंज कर देती हूँ, उसके बाद चादर चेंज कर दूंगी। और आजकल गर्मी में ना चादर बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि ये बाहर का रूम है तो धूल बहुत आती है इसमें, तो 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ऊपर से बच्चे खेलते हैं तो गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं रूम में। तो मैं इसके बाद धुली हुई चादर ये बेड पर डाल दूंगी, बिछा दूंगी। मतलब कॉटन की है ये पुरानी चादर, और गर्मी में मैं हमेशा पुरानी चादर ही यूज करती हूँ, नई चादर बहुत कम डालती हूँ, कभी कोई आ जाए तभी। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी छत पे, और ये देखो 9 बजे का टाइम हो रहा है। इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे धूप में लग रहा कि मैं बस चक्कर खा के यहीं पे छत पे ही गिर जाऊंगी। और कपड़े उपड़े छोड़ छाड़ के सब आ गई थी मैं गेहूँ फैलाने के बाद, और गेहूँ जल्दी जल्दी धो के पहले टप में धो के और फैला के आ गई थी। इतना धूप लग रही कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, तो मुझे और भी तेज़ धूप लगती है बाहर निकलूँ तो। और सब्जी की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना। और तो फिर मैं इसे ये पता है इतनी तेज़ थी कि ये जो गेहूँ फैला रही हो ना, वो शाम को ही सूख गए थे और एकदम अच्छे हो गए थे, और दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। कमेंट करके बताना कि कैसे हो। तो मैं अभी शाम का डिनर बनाने जा रही हूँ, और टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहा है, और मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल लड़के की अपने बेटे की दवाई लेने। तो मैं सोच रही सब्जी वगैरह बना के रख जाऊँ, रोटी आके बना लूंगी, और अभी मुझे थोड़ा छत का भी काम है तो वो भी निपटाना है। तो गाइस अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे किचन में सब्जी बनाती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे 6 या 6:30 बजे हॉस्पिटल जाना है, फिर नहीं तो मुझे डॉक्टर नहीं मिलता, लेट हो जाती हूँ। तो जल्दी से फटाफट सब्जी बना लेते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कर, क्योंकि वीडियो की रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल। तो प्लीज़ थोड़ा 2-3 मिनट का तो देख लेना, क्योंकि सब लोग आते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मैं मिलती हूँ किचन में आप लोगों से। सबसे पहले मैं छौंक देती हूँ कासी पाल, और इसमें मैंने थोड़े से चिप्स तले थे कढ़ाई में, तो ऑयल था, मैं इसी में ही मतलब कासी पाल को छौंक दूंगी। और ये काली हो गई है चिप्स तल के, तो कोई नहीं। और क्या क्या डालती हूँ मैं, ये है हींग, मेथी, जीरा और लाल मिर्च, केवल मैं ये ही डालती हूँ कासी पाल में, और लहसुन प्याज ये टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ। जो जो डालूंगी आपके साथ शेयर करूँ। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया, तो मैं ये डाल दूंगी जो मैंने प्लेट में मसाले निकाल के रखे थे, जीरा वगैरह ये सब। तो मैंने बता तो पहले ही दिया था क्या क्या है ये, और ये मतलब तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें डायरेक्टली कासी फल डाल दूंगी। और कासी फल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी 2-3 मिनट, और ढक दूंगी। और ज़्यादा कोई खास मसाला यूज करते हैं कासी पल, जितना लाइट बनाओ मतलब मिर्च मसाले कम यूज करो उतना ही अच्छा लगता है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये नमक कम ख़त्म हो गया था, तो मैंने नमक पलट लिया था इसमें डिब्बे में, तो थोड़ा सा तो पहले मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी और रेड चिल्ली, और कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस इतना ही डालूंगी। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें। और इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से और ढक दूंगी। और ढकने के बाद ना ये 2-3 मिनट जब पक जाएगा तो इसका जो पानी है अपने आप रिलीज हो जाएगा, और ये पकने के बाद थोड़ा कम दिखने लगेगा, और बहुत अच्छे से इसको बाद में मैश कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी मतलब। तो बस ये हो गया, मैं इसको ढक दूंगी, और सबसे फटाफट सबसे जल्दी सब्जी बनती है, और काफ़ी टेस्टी लगता है ये, और मेरा तो फेवरेट है, पता नहीं दूसरों को कैसा लगता है। और ये गल गया है तो मैं इसको करछी से काट रही हूँ, मतलब दबा दबा के फोड़ रही हूँ। ये ग्रीन वाला था
और ये मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़ लिया था और अमचूर जो मैं अभी आपको दिखा रही थी प्लेट में, मतलब अमचूर और गुड़ मैंने वो भी मिक्स कर दिया है इसमें। और इसको छीलने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि बहुत मैं काशी पर, तो ये हमारी सब्जी बनके कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ छत पे, मुझे लाने हैं गेहूं उठा के, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ छत पे चलिए आ जाइए। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी छत पर। छत पर शाम को बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आजकल गर्मी होने लगी है यहाँ पे भी, तो मैं ये कपड़े लेने मतलब उतार रही थी। एक दो बार तो मैं पहले ही उतार के लेके चली गई थी, ये लास्ट के बचे थे तो वो भी ला रही थी मैं। और ये मुझे गेहूँ भरने थे तो मैं गेहूँ भर के कट्टे में रख दूँगी, और जब मैं हर्ष की दवाई लेने हॉस्पिटल जाना है मुझे अभी, तब साथ में ये गेहूँ भी लेके जाऊँगी गाड़ी में, ताकि मैं चक्की पर रख के चली जाऊं और आते समय उठा के ले आऊं आटा, नहीं तो फिर लाने का बड़ा झंझट होता है। नहीं, मुझे खुद ही लाना पड़ता है, कोई लाके नहीं देता तो और गुस्सा आती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद मैंने ये कट्टे में भर दिए, ये चादर में धोने को डाल दूंगी। और चली गई थी मैं दवाई लेने, तो हर्ष को पीना था गन्ने का जूस, तो मैं थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, बहुत अच्छा लग रहा था रात में। तो ये सामने देखो कितना ढेर लगाया हरे वाले नारियल हैं, ये जो नारियल पानी रहता है वो है। लौटते समय का ली थी मैं, हॉस्पिटल का नहीं ली। और मैं आते ही सीधे आई किचन में, क्योंकि बज गए थे 8, और 8 बज गए थे तो मैंने फटाफट आकर रोटी सेकी, बाकी सारा काम मैं करके गई, चावल बना के रोटी सेक के, मतलब सब्जी दोनों बना के। केवल मैंने आके सबसे पहले चटनी पीसी, और चटनी पीसने के बाद मैंने फटाफट रोटी सेक के सबको खाना खिलाया, और खिलाते खिलाते मुझे बज गए थे 8:30-9। तो सबसे पहले मैं इसके पापा को दे दूंगी, वो रास्ते से ही कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है जल्दी जाकर रोटी सेकना। मैंने कहा ठीक है, बना के आई थी मैं सब्जी वगैरह, आके बस रोटी सेकनी थी, तो मैं चटनी दे दूंगी उन्होंने। और वैसे वो चटनी खाते नहीं है ये वाली, आज कह रहे हैं मुझे चटनी पीस देना, तो मैंने चटनी पीसी और काशी फल की सब्ज़ी और आलू टमाटर की साथ में, तो और रोटी। आप लोग आ जाइए डिनर करने, आज की डिनर में बस यही है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय।